इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आप सभी को हमने अपने पहले वीडियो में बताया था कि किन परिस्थितियों में राजीव गांधी को असम एकॉर्ड करना पड़ा था, किस तरह से वहां प्रोटेस्ट चल रहा था और उनकी क्या मांगे थी, और उस मांग को एकोमोडेट करने के लिए असम एकॉर्ड में जो एग्रीमेंट तय हुआ था उस एग्रीमेंट को कानूनी अमली जामा पहनाने के लिए राजीव गांधी ने किस तरह से 6A को लाया था और उसके प्रोविजंस क्या थे। इस एग्रीमेंट के अंदर जो बहुत सारी बातें निहित थी, अगर उन सारी बातों का डिस्कशन करें तो शायद ये प्लेटफॉर्म बेहतर नहीं होगा, लेकिन उसमें कई आर्थिक पहलू और दूसरे पहलू भी उसमें शामिल थे। लेकिन यहां पे हम चूंकि सिटीजनशिप का मुद्दा गरमाया हुआ है तो हम सिर्फ सिटीजनशिप के एंगल से लेने की कोशिश करके 6A के और क्या क्या प्रोविजंस थे ताकि आप समझ सके कि यह एक कितना बृहद एग्रीमेंट था जो वहां का ऑल इंडिया स्टूडेंट्स असम यूनियन था और जो असम गण परिषद था दोनों ने मिलकर के जब यह समझौता किया था तो उनकी सिर्फ नागरिकता संबंधी मांग नहीं थी। लेकिन नागरिकता वाला मुद्दा जो है यह लाइमलाइट में आ गया क्योंकि इससे विस्थापन की एक समस्या बनती और बहुत सारे लोग जो माइग्रेट करके आए थे उसको अपने देश को छोड़ करके बाहर निकलना पड़ता और उनके आगे आने की स्थिति को भी रोकने की कंडीशंस बनती थी, इसलिए यह मुद्दा काफी महत्वपूर्ण हो चला था। हमें यह समझने की जरूरत है कि क्या विस्थापन जो है वो केवल हिंदू या मुस्लिम का मामला था या केवल मुस्लिम का मामला था या कुछ और भी था, और क्यों वहां के लोग इस एकॉर्ड के होने के बाद, यानी कि लोगों का भी दो समूह रहा होगा, एक समूह जो कि इन अप्रवासियों का विरोध कर रहे होंगे और वह ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन और असम गण परिषद के अम्ब्रेला के अंदर काम कर रहा होगा, तो जब ये समझौता हो ही गया, इस तरह का कानून बन ही गया, तब फिर इसी कानून के खिलाफ वहां के कुछ लोग क्यों चले। तो दोस्तों इसमें ज्यादातर जो अनुभव आता है, जो समझ में आता है, जो मेरे अपने अनुभव बताते हैं कि इसमें राजनीति से प्रेरित होकर के बीजेपी ने तो कुछ ना कुछ हवा जरूर दी थी क्योंकि एक साइजेबल नंबर ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वह ईस्ट पाकिस्तान से यहाँ आकर के सेटल डाउन हुआ था और यहाँ का डेमोग्राफी काफी बुरे तरह से प्रभावित हुआ था। यहाँ जो अहोम, नागास और दूसरे कम्युनिटी के लोग रहते थे और जो असमीस मूल के लोग थे उनकी संख्या दिन ब दिन घटती जा रही थी और ऐसा अंदेशा लोगों को होने चला था कि यह एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट बन जाएगा। मैंने एक क्रिश्चियनिटी के ऊपर वीडियो किया था, अगर आपको याद हो तो, या नहीं तो आप मुझे मेरे चैनल में जाकर के इसको देख भी सकते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि 1627 ईस्वी से कैसे क्रिश्चियन मिशनरी वहां कन्वर्जन का काम कर रही थी और लगभग 1300 ईस्वी से पहले से वहां के हिंदुओं का धर्मांतरण कर मुस्लिम बनाने की प्रथा चल रही थी। तो वहां असमीज भी लोकली भी मुस्लिम बने थे तो उनके आपस में उतने बैर नहीं होते थे, लेकिन ये जब बाहरी लोग आए तो उनको एक तरह से कल्चरल आइडेंटिटी का क्राइसिस होने लगा और आप देखेंगे कि वहां के जो मुस्लिम हैं उस मुस्लिम ने भी ये जो बाहर से आए हुए मुस्लिम्स हैं उनका विरोध किया। लेकिन ये जो सारे लोग आए हुए थे इनको जब नागरिकता देने की बात हो जाती है तो एक साइजेबल पॉपुलेशन कांग्रेस के पाले में गया और कांग्रेस को वोटिंग करते रहा, इसीलिए लोग इसको कांग्रेस के द्वारा एक तुष्टिकरण की बात करते हैं कि जब ईस्ट पाकिस्तान बन गया था हमने उनको अपने हिस्से की जमीन दे दी तो फिर वहां के लोग हमारे देश में आकर के हमारे देश जो कि ऑलरेडी उस समय में गरीब था उसके जनसंख्या के ऊपर प्रेशर क्यों बढ़ा रहा है। यह एक जटिल मुद्दा था, इसीलिए वहां एक समझौता करने वाला गुट था और एक ऐसा गुट था जो कि उस समझौते से अपने को अलग रखा था। तो जो ये अलग रखने वाला गुट था वह असम एकॉर्ड के विरोध में सुप्रीम कोर्ट गया था कि आखिर वहां पे कितने प्रवासी वास्तविकता में आ गए कि इतनी हलचल मच गई। तो अगर आप जनसंख्या की स्थिति को देखते हैं तो उस हिसाब से हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कम्युनिटी के लोग जो है यहाँ पर माइग्रेट करके आए हैं और वह लगातार आते रहे हैं, कारण चाहे कुछ भी रहे हो, लेकिन यह पॉपुलेशन लगभग अगर आप गिनती करते हैं तो लगभग 7-8-9 लाख के आसपास या 10 लाख के आसपास होता है, लेकिन इससे भी कई गुना ज्यादा मुस्लिम भी माइग्रेट करके यहाँ पर आए। उनके कुछ अपने कारण थे कि वो क्यों आए। ज्यादातर मुस्लिम भारत को ही अपना देश मानते थे क्योंकि बंगाल पार्टीशन से वो काफी नाराज थे और अपने जन्म स्थान में ही वो रहना चाहते हैं और असमीज को उन्होंने अपनी भाषा भी घोषित कर दी और असमीज भाषा के मूवमेंट के लिए उन्होंने अपना समर्थन भी घोषित किया और आगे चल करके उन्होंने कांग्रेस की सरकार को उन्होंने समर्थन भी किया क्योंकि कांग्रेस सरकार एक तरह से उनको पोषित कर रही थी, उनको समर्थन दे रही थी।
तो इस तरह से मुस्लिम का भी माइग्रेशन असम में बहुत लार्ज स्केल पर होना शुरू हुआ। आज उनकी संख्या लगभग 40 लाख के आसपास है। यह पॉपुलेशन, हम सिर्फ माइग्रेंट पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, जो कि दूसरे देशों से, यानी जो पाकिस्तान था वहां से जो माइग्रेट करके आए, मैं उस मुस्लिम पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं 40 लाख कर रहा हूँ, ये असम का पूरा पॉपुलेशन का जिक्र मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पे एक यह समस्या खड़ी हो गई कि असम पहले से भी मुस्लिम डोमिनेटेड स्पेस था, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लंबे समय से कन्वर्जन हुआ था और मूल रूप से असमीज लोग बहुत सारे मुस्लिम बने थे। तो यहाँ पे जो मुस्लिम बांग्लादेश से माइग्रेट करके आए, यानी जो पूर्वी पाकिस्तान था वहाँ से जो माइग्रेट किए, उस मुस्लिम को वहाँ का जो मुस्लिम था, असमीज बोलने वाले मुस्लिम, वह उन्हें बिल्कुल ही नापसंद करते थे। और यहाँ तक देखा गया कि यह मुस्लिम और मुस्लिम के बीच में भी वहाँ पे दंगे हुए, क्योंकि वो बंगाली मुस्लिम को, और ना तो बंगाली हिंदू को ना बंगाली मुस्लिम को वो असम में एक्सेप्ट करना चाहते थे। तो माइग्रेशन को हमको इस नज़रिए से देखना है, क्योंकि वहाँ पे कई सारे ट्राइब थे और जो असमीज मुस्लिम थे उनके बीच में एक तरह का सौहार्द बन चुका था, लेकिन जो ये बंगाली मुस्लिम आ रहे थे उसको वो पर्सन नॉन ग्राटा समझते थे, उनको वो एक बाहरी मूल के लोग समझते थे, उनसे उनकी कुंदस रहती थी, उनसे उनकी आपसी बैर रहती थी। तो यहाँ पे धर्म के आधार पे नहीं, धर्म के आधार से अलग भी उनके आपस में बैर बनी रहती थी। और इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम का वहाँ आकर के बस जाना, वहाँ का जो दूसरा एथनिक कम्युनिटी था उनके लिए एक मेजर चैलेंज के रूप में उभरा, और उन्हें यह लगा कि आगे आकर के यही हमारी सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। और फिर उस स्थिति में जब इन्हें नागरिकता दे दी जाएगी, और भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इनको भी सारी डेमोक्रेटिक राइट मिलेंगी, तो हमारी जो अपनी मूल स्थिति है वह पूरी की पूरी बदल जाएगी। हमारी डेमोग्राफी ही चेंज नहीं होगी, हमारा कल्चरल भी चैलेंजेस हो जाएंगे। यह उनकी जहन में इस बात का जन्म होना ही इस समस्या का मूल कारण था, जिसके वजह से वह इस जो परिवर्तन किया गया था, 6A को लाया गया था, उसके अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। दोस्तों, अगर मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करें तो 1901 ईस्वी में जो कि 9.22% था असम में, वह बढ़कर 2011 में लगभग 34.22% हो गया। एक साइजेबल जंप है, जो कि लगभग 120 वर्ष में लगभग 21.82% की वृद्धि है। किसी भी प्रांत में इतनी तेजी से मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं बढ़ा है। 21 का सेंसस जो आया, उस सेंसस ने तो और भी चौंकाने वाला खबर लाया कि यहाँ पे लगभग 14 मिलियन, यानी 1,40,00,000 मुस्लिम की आबादी यहाँ पर हो चुकी है, जो कि राज्य के आबादी का लगभग 40% हो गया है। तो इस तरीके से अगर आप सोचें कि 9.2% जो कम्युनिटी थी वो बढ़ करके 40% हो गई है, तो वहाँ के जो एथनिक कम्युनिटी है उसके लगभग अब ये बराबर आने की स्थिति में आ चुका है, तो उनका डर होना स्वाभाविक है। जब असम में ये मूवमेंट चल रहा था तो लोगों ने इस चीज को 85 ईस्वी में ही नोटिस करना शुरू कर दिया था कि इनकी जो ग्रोथ रेट है और जिस तरह का माइग्रेशन हो रहा है और एक पर्टिकुलर एरिया में जिस तरह से इनका कंसोलिडेशन हो रहा है, यह उनके लिए एक लार्जर थ्रेट बन सकता है, इसी बात का डर था। लेकिन कांग्रेस सरकार पॉपुलर सेंटिमेंट को ओवरटर्न करते हुए इनको लगातार नागरिकता देने की स्थिति बनाते जा रही थी और इन्फ्लक्स ऑफ पीपल को आने दे रही थी असम में, जिसके वजह से कि वहां पे बहुत एजिटेशन शुरू हो गया। और जो असम गण परिषद, ऑल इंडिया असम स्टूडेंट एसोसिएशन की जो बात कर रहे थे, वह दोनों ही संस्था ने मिल करके यहाँ पे एक मूवमेंट खड़ा कर रखा था, जिससे कि वहाँ पे सरकार एक तरीके से बाध्य हुई असम एकॉर्ड को करने के लिए, ताकि एक तो कट ऑफ डेट लगाया जाए जहाँ की इनकी नागरिकता प्राप्त करने की जो सरल प्रक्रिया है उसको रोक दी जाए और इनके माइग्रेशन को चेक किया जाए। तब तक बांग्लादेश नहीं बना था, उसके बाद फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आने वाले थे, इसको भी कुछ हद तक वहाँ के लोगों ने सेंस कर लिया था कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा और बांग्लादेश को अलग करने की प्रक्रिया शुरू होगी तो कई सारे लोग भाग करके और आएंगे। और इसी बात को जब एकॉर्ड करने के बाद एक तरह से लीगल इनको सेंटिटी मिल गई थी कि इनको अब नागरिकता दी जाएगी, तो लोगों को लगा कि अभी भी ये बहुत बड़ा पॉपुलेशन आ चुका है, इनको अपने जहाँ से ये आए हैं वहाँ जाना चाहिए, तो वह सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किए।
तो यह लंबे दिनों तक चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि यह जो कानून बना था 6A को 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में जो इंक्लूड किया गया था राजीव गांधी के टाइम में, यह एक सही कानून है। इस जजमेंट के बाद जो स्थिति बनी है वह यह बनी है कि जितने भी लोग 1971 25 मार्च तक आए थे आपके देश में, उनको अब नागरिकता मिल जाएगी इस कानून के तहत। तो एक तरीके से एक मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है वह अब भारत के नागरिक बन जाएंगे। डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने इस बात को माना है कि यह जो कट ऑफ डेट 1971 ईस्वी का तय किया गया है, यह एक रीजनेबल डेट है, क्योंकि इस डेट से पहले ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत जो पाकिस्तान की जो सेना थी वह बांग्लादेशियों पे कहर बरपा रही थी, जिस वजह से कि बहुत सारे बांग्लादेशी लोग जो कि ईस्ट पाकिस्तान के पहले लोग थे उनको भाग करके भारत में आना पड़ा। और चूंकि भारत का पार्टीशन बांग्लादेश जो है वह भारत के ही बंगाल का हिस्सा था, उसी को काट करके बनाया गया है, बंगाल डिवीजन से ही इसका निर्माण हुआ था, तो उन्हें अपने देश में सुरक्षा के दृष्टिकोण से आना एक मुनासिब सी स्थिति थी। तो इस बात को चंद्रचूड़ ने माना है कि यह डेट जो है ये एक रीजनेबल डेट है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को भी क्लेरिफाई किया है कि 6A को आसाम स्पेसिफिक बनाना जो है यह भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कड़ी था, क्योंकि यह असम एकॉर्ड का जो पॉलिटिकल सॉल्यूशन वर्कआउट किया गया था, यानी जो राजनीतिक समाधान निकाला गया था वहाँ के एजिटेशन का, वहाँ जो मूवमेंट चल रहा था उसका, उसको अमली जामा पहनाने के लिए 6A का होना जरूरी था। उन्होंने हालांकि इस बात को माना है कि इसके अलावा भी बंगाल है, त्रिपुरा है, मेघालय है, उनके भी बॉर्डर बांग्लादेश से काफ़ी लंबे दूरी तक लगते हैं, लेकिन जब इस माइग्रेशन के डाटा को देखा गया तो असम में लगभग 40 लाख लोग आए हैं, बंगाल में लगभग 58 लाख लोग आए, जबकि दूसरे जगहों पर यह संख्या थोड़ी कम रही। यहाँ पे एक एथनिक इशू भी छुपा हुआ है कि जो असमीज मुस्लिम पहले से थे वो अपने को असमीज मानते थे, ना कि बंगाली मानते थे, तो ये जो बांग्लादेश से ईस्ट पाकिस्तान से अब लोग आ रहे थे यह अपने को बंगाली मुस्लिम कहते थे। तो ये चाहे बंगाल में ज़्यादा भी गए हों तो बंगाल का अगर एरिया वाइज हम देखें तो यह संख्या कम बैठती है, और अगर असम का हम एरिया वाइज देखें तो यह संख्या ज़्यादा बैठती है। 40 लाख होने के बाद भी जो पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से और लैंड मास के हिसाब से अगर देखें तो यह संख्या थोड़ी ज़्यादा बैठती है। तो इस वजह से, और समझौता भी वहाँ के एजिटेशन की वजह से हुआ था, क्योंकि उनको बंगाली से प्रॉब्लम भी था, बंगाल में बंगालियों के आने से उतना प्रॉब्लम नहीं था जितना कि असम में बंगाली मुस्लिम के जाने के वजह से था। तो इस एकॉर्ड का वहाँ पे स्पेसिफिक असम स्पेसिफिक होना भी एक तरीके से ठीक ही था, कोर्ट ने अब इस बात को माना है। कोर्ट ने पेटिशनर के इस बात को भी टटोला है कि क्या उनके मौलिक अधिकार का, जो जिसके अंतर्गत कि उनको अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का अधिकार मिला हुआ है, अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार मिला है, उसका ये हनन है या नहीं है, या उसके ऊपर कोई खतरा है कि नहीं है। तो कोर्ट ने इस बात को क्लेरिफाई किया है कि 29A में, यानी धारा 29(1) के तहत जो फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार लोगों को मिले हुए हैं, उस अधिकार का इससे कोई हनन नहीं हुआ है, इस आधार पर कि कई सारे और कल्चर के लोग वहाँ पर के आकर के बसते हैं, इससे उनके किसी मौलिक अधिकार का हनन हो जाएगा, यह बात मान्य नहीं है, कोर्ट ने कहा है, जब तक कि इसके कोई एविडेंस ना मिले कि उनके कल्चर को उन्होंने डैमेज किया। तो इस तरह का कोई एविडेंस नहीं मिला है। कोर्ट ने इसी के साथ कहा है कि आपके राज्य को कई सारे और भी अधिकार संविधान प्रदत्त है जिसके द्वारा आप अपने कल्चर को बचाने में सक्षम हैं, और उन अधिकारों का इन माइग्रेंट के आने की वजह से कोई हनन नहीं हुआ है।